This is directly linked to your confidence and your psychology. It has nothing to do with energy, ke abhi aapke andar energy kitni hai. Agar insaan jab sach bolta hai na, to uske andar wo ek khanak hoti hai. Wo khanak ke saath hota hai. Jitna marzi aap jhoot bolne, kahin na kahin aapki body aapko betray zarur kar degi. Even if it's a glitch of an act. Sach ke saath hamesha bahut zyada force hoti hai. So if you are saying ki aap school gaye the, your hand should be this. This is your maximum capacity. Idhar pe kyun give up kar rahe ho? क्लास में बैठ के टीचर सवाल पूछता है चॉकलेट कौन कौन खाएगा. इफ यू डू दिस कोई देगा आपको? मम्मी. अब आप खाएंगे. लेकिन अगर आप केक पे बैठ के यू कर रही है ना, यू कर रही है, तो जो चॉकलेट है वो शायद वो भी आपके आपसे ले ली जाए. किसको नहीं चाहिए ले लो. हाँ, छीनना नहीं पड़ता, अपनी प्रेजेंस को जताना पड़ता है, आगे आना पड़ता है, बताना पड़ता है कि हाँ मैं हूँ, मेरी बात सुनो, बेशक आप बकवास कर रहे हैं. बट यू हैव टू हैव द रिटेंशन टू स्पीक अप. हमें से आधे से ज्यादा लोग खुद के साथ इतने कंफर्टेबल नहीं है. हम अपनी स्किन में कंफर्टेबल नहीं है, अपने रंग को लेके, अपने जिस्म को लेके, अपनी अपनी बैकग्राउंड को लेके, कि यार मेरा बाप पान बेचता था, मैं किस जाके. अब यहाँ पे किसी को नहीं पता. नो वन नोस कि आपके फादर क्या करते थे, आपकी मदर क्या करती थी, आप खुद क्या करते हैं, हमें नहीं पता. फ्रैंकली स्पीकिंग आजाद का बिल्कुल नाम भी नहीं पता. ठीक है, इट डजंट मैटर. बट अगर आप हाथ खड़ा करेंगे, आई बी लाइक ओके, इसको जवाब पता है. तो इफ यू रियली वांट कि आपका ओपिनियन रिकॉर्ड हो, स्टेट के साथ रिकॉर्ड हो, आपकी फैमिली के मैटर्स में रिकॉर्ड हो, यू हैव टू मेक योर प्रेजेंस फेल्ट. और एक क्लासरूम में, एक ग्रुप के एनवायरनमेंट में, अगर आप किसी प्रोटेस्ट में भी होंगे ना, दिस इज योर फर्स्ट सिग्नल टू योर सेल्फ. इसमें कोई नहीं जाएगा. और ये एक आपको सिग्नल भी देता है ब्रेन को कि इसको नहीं पता. इसके बाद व्हाट एवर यू से, यू विल से विद कॉन्फिडेंस. बट इसके बाद यू नॉट बी श्योर. आधे से लोग जवाब क्यों देते हैं? कोई पूछे आपका नाम क्या है? मेरा नाम तंजीला है. यू नो, हैव यू एवर नोटिस दिस? उनका जवाब भी एक सवाल होता है. उनको छोटी नहीं होती कि मुझे ये आता है, मुझे ये पसंद है. यू नो, इवन अपने बारे में भी जो आपकी सच्चाई है, यू नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट इट. सो व्हाट मेक्स यू थिंक कि आप सुपरस्टार्स बनेंगे? यू विल बी समबडी हु इज रियली शाइनिंग आउट इन योर ओन लाइफ. इट्स योर बॉडी लैंग्वेज. सो प्लीज, दिस इज द हैंड, दिस इज नो हैंड. इवन इफ आई एम सिटिंग ऑन अ पैनल पे सवाल पूछे तो मैं यूं करती हूँ, और यहाँ पे जो होस्ट खड़ी होती है वो मुड़ के मुझसे पूछती है. यू नो, आई मेक श्योर कि माय प्रेजेंस इज बीइंग फेल्ट. और अगर हम घूम के डिसेबिलिटी की भी बात करें, तो आई थिंक यही चीज़ है जिसने जो मुझे आगे लेकर आई है, कि जस्ट बिकॉज शी हैज़ अ डिसेबिलिटी, ये अपने आपको कॉर्नर नहीं कर रही. मुआशरा तो बेशक मेरे साथ ज्यादती करे, खुद के साथ तो ज्यादती ना करे ना. खुद तो अपने आप को स्पेस और इज्जत दें. ठीक है. सो कितने लोग यहाँ पे स्कूल गए थे एट सम पॉइंट इन देयर लाइव्स? ये चीज अब मुझे यकीन आ रहा है. आप देखिए ना, द रूम फिल्ड अप, इट शोड यू आर अवेक, यू आर अलर्ट. अगर आपके राइट्स को कोई वायलेट करेगा, नहीं कर सकता, उनको पता है ये मुआशरा जाग रहा है. इट हैज अ लॉट ऑफ बैकग्राउंड टू इट, ये एक एक्ट. सो यूज इट.